रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर चुटकी ली है और कहा कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मोदी मैजिक के नाम को लेकर चर्चा हुई उस पर इन चुनावों में विराम लगा है। प्रेम कौशल ने कहा कि आज के परिणामों को देखकर लग रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और राष्ट्रवाद के नारे को जनता ने नजरअंदाज किया है। कौशल ने कहा कि आने वाला समय बीजेपी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में बीजेपी को आईना दिखाया है। विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर चुटकी ली है और कहा कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मोदी मैजिक के नाम को लेकर चर्चा हुई उस पर इन चुनावों में विराम लगा है। प्रेम कौशल ने कहा कि आज के परिणामों को देखकर लग रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और राष्ट्रवाद के नारे को जनता ने नजरअंदाज किया है। कौशल ने कहा कि आने वाला समय बीजेपी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने बीजेपी को आईना दिखाया है। प्रेम कौशल ने कहा कि लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद बीजेपी ने मोदी मैजिक और राष्ट्रवाद को लेकर लोगों से वोट लिए हैं। इन सारी चीजों को दोनों राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों के नतीजों ने बुरी तरह झुंझलाया है जिससे बीजेपी नेताओं की आंखें भी खुली हैं। हाल ही में दो राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और कुछ प्रदेशों में जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है उपचुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों के जो परिणाम हैं उन परिणामों से एक चीज़ जो है वो स्पष्टतः नज़र आ रही है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन चुनावों में जो परिणाम आए थे विधानसभा के चुनावों के परिणाम उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, उनसे अलग हैं। लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार राष्ट्रवाद, छदम राष्ट्रवाद जिसको मैं कहूँगा, और मोदी मैजिक चला, 3-4 महीने के वक्फे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश की सरकारें थी उनकी जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं उनसे दुखी होकर, और केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जो वायदे लोगों से किए थे उसके विपरीत काम करके, जिस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर है, आर्थिक रूप से देश कमज़ोर हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज एक भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल वर्तमान जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं इनमें होता दिख रहा है। और आने वाले समय में ये इनका जो राष्ट्रवाद का नारा है, छदम राष्ट्रवाद का नारा, और राष्ट्रवाद के ऊपर जिस तरीके से जो देश के और अलग अलग राज्यों के जो आम व्यक्ति से जुड़े मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करके, लोगों को भावुक राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर करके मूर्ख बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देश के लोग अब उस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें भरा होने वाला है और देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्य दर राज्य, अब और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी सबक सिखाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, जो इन्होंने दावा किया था 200+ का महाराष्ट्र में और 75+ का हरियाणा में, उसमें पूरी तरह से विफल हुए हैं और अपने दम पर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है।